दोस्तों नमस्कार। अग्निवीर बैच के आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नीलेश सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए थे इस मॉडल पेपर के, आज हम बढ़ेंगे उसी के आगे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का। उसके आगे से हमारे पास एक सवाल है, ये सवाल नंबर sin 6 और cos 6 का मान कितना होगा। तो हम लोग इस सवाल पर आते हैं और sin 6 cos 6 थीटा का मान कितना होगा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो हम सबसे पहले करते क्या है, हमने यहाँ लिख दिया है sin 6 थीटा और बेटा ये लिख दिया हमने cos 6 थीटा। अब जब भी ऐसा कोई सवाल आपको दिखे तो आपको सबसे पहले इसमें काम करना है कि sin²θ की पावर में 3 लिखना है और इसको भी आपको लिखना है cos²θ की पावर में 3 करना है। ऐसा हमने इसलिए किया कि जिससे हमारे पास एक आइडेंटिटी हो जाए, फार्मूला हो जाए a³ और b³ वाला। इसका फार्मूला होता है a³ और b³ का, तो ये होता है पहले a+b, तो हम यहाँ ले आएंगे a+b, ये हमारा हो गया a+b। उसके आगे हो जाएगा a², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये पावर में 4 आ जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा b² तो ये आपका 4 हो जाएगा, और माइनस में ये आपका ab आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया sin²θ एंड cos²θ। ये एक आइडेंटिटी है एलजेब्रा की कि a+b² + b² - ab। अच्छा सभी को पता है कि ये जो होता है ये तो भैया जो है sin²θ ये तो भाई 1 होता है, तो ये तो 1 × सब 1 हुआ तो 1 × ये, तो ये सारा खत्म हो गया, बस सिर्फ इतना बचा। तो अब हम लोग इसको 1 मान करके जब आगे बढ़ेंगे इसके आगे, तो sin 4 और ये जो cos 4 लगा पड़ा था इसको हमने क्या किया कि इसको हमने चेंज किया, हमने इसको चेंज कर लिया sin²θ और ये हमने कर लिया इसमें जो है, इसमें देखते हैं पहले कि इसको हमने कैसे चेंज किया होगा, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, अच्छा हमने इस बात को जब यहाँ से किया, जब ये बात यहाँ पे आती है तो ये sin 4 जो लिखा हुआ था बेटा ये हो जाएगा sin²θ² + ये आपका हो जाएगा cos²θ² और अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसमें 2ab जोड़ दिया और ये हो गया 2sin²θ और ये हो गया है cos²θ और 2 हमने यहाँ से माइनस कर दिया, 2sin²θ × cos²θ ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया। और आगे हमारे पास एक बार लिखा हुआ था sin²θ × cos², ये थीटा लिखा हुआ था। तो अब क्या हुआ कि जब हमने किया कि a² + b² + 2ab, तो ये जो इसका इतना हिस्सा था बेटा इसका इतना हिस्सा हमारा बन जाएगा a + a²b² 2ab, तो ये हमारा बन जाएगा a+b² तो ये हमारा होल स्क्वायर हो गया है, और ये -2 और ये -1 दोनों मिल करके ये हो गए -3 sin²θ + cos²θ। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 - 3 sin और cos, कहीं दिया हुआ है ये इसका सही जवाब होगा 1 - 3 sin²θ और cos²θ। आगे से जब कोई सवाल आए हमारे पास तो हम याद रखेंगे कि जो इसका मान होता है वो 1 - 3 sin²cos θ इसका मान होता है स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होगा, बार बार नहीं किया जाएगा। आगे से इस पूरी बात को हम लोग याद रखेंगे सवाल को लगाने के लिए। अब या तो हमारी आप ये बात मान लें, अगर इस बात को नहीं मानना है, मान लीजिए ये तो इसका बेसिक हो गया, अगर आपको ये बात नहीं मानना है तो हम इसमें एंगल थीटा को पुट करके थोड़ा सा शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो ये तो इसका रहा बेसिक तरीका, और इस बेसिक को हम हटा रहे हैं और आते हैं इसके शॉर्ट में। अगर आज के बाद से ऐसा कोई सवाल अगर आपको मिलता है कि भाई इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ मत करें, आप केवल थीटा का कोई सुटेबल मान यहाँ पुट कर दें, बढ़िया सा। अगर हमने थीटा का यहाँ बेटा मान पुट कर दिया, मान लीजिए कि हमने अगर यहाँ पे 90 पुट किया तो ये cos 90 जीरो हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, मतलब इसका मान यहाँ से 1 आ जाएगा। अब 1 मान हमारा जो भी यहाँ पर देगा
वही हमारा जो है सही जवाब होगा, सही सवाल होगा। तो हम इसमें काम करते हैं, हमने बेटा यहाँ पर थीटा के मान को 90 डिग्री पुट कर दिया। आप चाहें तो इसको 90 रख दें, 30 रखें, 45 रखें, 0 रखें, काम चल जाएगा। तो जब हमने 90 रखा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, 1/6 हो जाएगा, कॉस 90 0 0, ये मतलब हमारे सवाल का उत्तर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इन ऑप्शंस में जाने के बाद जो ऑप्शन हमारा 1 आंसर बताएगा वही सही होगा। तो जब हम इस वाले ऑप्शन में गए, यहाँ पर जब यहाँ गए तो ये लिखा हुआ था 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, मतलब 1 - 0 इसका मान कितना, इसका मान 1 आ जाएगा। तो ये जो 1 आया हुआ है वो ये वाला 1 नहीं है, ये हमारा सवाल है ये वाला, क्योंकि यही हमारा 1 ला रहा है, तो सही जवाब था 1। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 - 1, इसका उत्तर आ जाएगा -1, तो ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही -1, ये भी नहीं होगा। तो आगे से हम ऐसे बड़े बड़े सवालों को बेसिक में ना करके थीटा का कोई भी मान हम यहाँ पर पुट कर दें, है ना। थीटा का मान आप 0, 90, 45, 30 करने से आपका सवाल देखिए एक लाइन में ही आ जाएगा। तो वो उसका बेसिक था, ये इसकी ट्रिक थी, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है ना। आगे से याद रखेंगे, इसको हटाते हैं, चलिए चलते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। सवाल नंबर जो हमारा 18 है, हम यहाँ पहुंचे, हमने कहा भैया अब हम क्या करें यहाँ पर। देखिए भाई, अब हम यहाँ पर क्या करें, तो हमसे कहा गया कि भाई साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है, और जो ए बी है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम ले सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा। एक काम करते हैं, एंगल ए और एंगल बी का कोई सुटेबल मान पुट करके 2 लाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अगर हम ए का मान पुट कर दें 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान तुम्हारा 1 होता है। अगर हम साइन बी का मान भी पुट कर दें कितना, 90 डिग्री, तो बेटा साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, दोनों मिलके कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि ए और बी का मान 90-90 डिग्री हम यहाँ पर पुटिंग बना सकते हैं ट्रिक के साथ या जल्दी के साथ, है ना। बस हमसे ये पूछा गया था कि भाई ये कितना होगा, हमने कहा भैया कॉस, और आपने कहा कि ए और बी 90-90 होगा, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। हमने इसको यहाँ पर ऐसे 2 किया, बराबर किया कॉस 180/2, तो बेटा ये आ गया कॉस का 90 डिग्री। कॉस 90 जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा 0 होता है, 1 - 1, इसका सही आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब हो गया कि हम कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेसिक का सहारा हम ना लें, हम उसमें एंगल को पुट करके अपना काम ऐसे चलाएं, तो आपका सवाल बहुत तेजी से आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। ये सवाल नंबर हमारा आ गया है बेटा 19वां, है ना। सवाल नंबर हमारे पास आ गया है 19। कहा गया है कि cos² θ माइनस ये बराबर 3 है, और एक बार फिर से इसका जो मान है वो हमको लेना है 0 और 90 से कम। ध्यान देना, 0 नहीं ले सकते हैं, 90 से कम है तो 90 नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। मतलब कि हम 0 और 90 के बीच में कोई ऐसा मान लें जो यहाँ पर 3 बनाता हो। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 30 का, 60 का और 45 का। तो हमने एक किस्म काम किया, हमने कहा भाई इस पर एक काम कर लो कि हम जब इस वाले मान को यहाँ पर ले रहे हैं, तो अब हम लोग इसमें कौन सा मान लें कि जो यहाँ पर 3 लाता हो। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था 30, 45, 60 और 90, बेटा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम इसका मान, मान लीजिए कि अगर हम 30 रखते हैं, तो बेटा कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ऊपर आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा cot 30 होता है √3, उसका हमने स्क्वायर किया। cos 30 जो हमारा मान होता है उसका मान भी होता है कितना, √3/2। इसमें चेक कर लेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा ऊपर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस, और ये भी तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास आ सकता है 3/4, और 4 = 12 - 3, दैट इज 9/4। यहाँ से हमने 4 और 4 काट दिया, 3 और 9 बचा, ये 3 नहीं आएगा, ये तो 1/3 आएगा,
इसका मतलब है कि 30 भी नहीं आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे किसका, 60 डिग्री का, है ना। 30 का उल्टा मान होता है 60। जब हम यहाँ पर 60 का मान रखेंगे तो cos जो 30 का मान आया है cos 60 हो जाएगा, cos 60 हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा cot 60। बेटा cot 60 होता है 1/√3 का स्क्वायर माइनस cos का 60, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ये हमारे पास आ गया है 1/4, नीचे आ गया है 1/3 माइनस और ये आ गया हमारे पास 1/4। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 1/4 हो गया बराबर ये 4 - 3, तो ये हमारे पास आ गया है 1/12। जब 12 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12/4, मतलब कि कट गया तो कितना आ गया 3, मतलब ये 60 डिग्री को रखने से मैच कर रहा है। तो ऐसे सवाल आपके मैचिंग से हो जाते हैं तो ठीक है, या तो आप इसको मान लो और नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा कि इसको कॉस और साइन में चेंज करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो चाहे आप सॉल्व करेंगे तब भी इतना होगा, आपने वैल्यू पुट किया आपका मान तब भी उतना ही आएगा। तो ऐसे सवाल हम हल्का सा आइडिया लेकर के, हल्का सा पुटिंग करके हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ऐसे मान हम पुट से निकाल सकते हैं। चलो भाई ये सवाल भी हमारा यहाँ से जाता है और बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। ये सवाल नंबर हमारा आ गया भैया 20वां, ठीक है। सवाल नंबर हमारा 20 आ गया। सवाल नंबर 20 जो है इसमें कहा गया है कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो कहा गया है कि इस सवाल का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन साइन स्क्वायर बराबर 1 दिया हो, कॉस कॉस स्क्वायर बराबर 1 दिया हो, साइन कॉस स्क्वायर बराबर 1 दिया हो या कॉस साइन स्क्वायर बराबर 1 दिया हो, हमने आपके सामने चार बातें बोली कि जब ये दो दो के जोड़े है ना, साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन, अगर ये आपको 1 दिख रहा हो तो ये जो भी ये सवाल दिया जाता है, ये सवाल इसका आंसर हमेशा आपको 1 टिक करना है हमेशा, ठीक है। ये तो इसका हो गया ट्रिक, हो गया कि 1 देख करके इसका आंसर कि बेटा हमेशा 1 आता है। अब इसका बेसिक क्या होगा, कैसे किया गया होगा, इस बात को हम लोग थोड़ा प्यार से समझ लें। देखिए ये है cos 8, तो बेटा cos 8 का मतलब हो गया है cos 4 थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ लिखा है ये, तो ये हो गया 2। cos 6 को हमने तोड़ दिया cos 4 में और cos 2 में हमने तोड़ दिया इसको देख करके, आगे लिखा था cos 4 तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ये हो गया है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आखिर क्या काम था इसका, इसका आखिर काम क्या था, तो इसका काम बेटा ये था कि जब ये साइन आप वहां भेजोगे तो 1 - साइन, तो ये जो साइन का मान आएगा ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी जहां जहां कॉस में 2 आएगा वहां वहां साइन में 1 आएगा, जहां जहां कॉस में 2 आएगा वहां वहां साइन में 1 आएगा। तो कॉस में 2 आएगा तो साइन में 1 आएगा, कॉस में 4 आएगा तो साइन में 2 आएगा, यहां कॉस में 4 आया है तो बेटा ये हो जाएगा साइन में कितना 2, और आगे लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखा था स्क्वायर। ये वाले जो सवाल होते हैं वो ऐसे टूट करके साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा जरूर बनाते हैं और ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका मान कितना होता है 1। तो आगे से जब भी कभी ये सवाल दिया गया हो ऐसे वाले सवाल ऐसे बनेंगे और इसका मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1। ये इसका बेसिक हो गया है, आगे से आप इस 1 को देख करके ऐसे बड़े बड़े सवालों का आंसर आप सीधे 1 टिक करेंगे, ठीक है भाई। ऐसा कोई सवाल आया हो इसको आप सीधे 1 करेंगे, आगे से इसको हम सिर्फ 1 बोलेंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 20 पर आते हैं। ये देखेंगे एक सवाल हमारे पास और आ गया, अब इसको भैया हम करेंगे नहीं। देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और ये बराबर 1, तो कहा गया कि इस पूरे सवाल का मान जो भी दिया गया, जो भी यहाँ दिया गया इसका मान कितना होगा। अभी हमने कहा था कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान बेटा आपको टिक करना है 1 के ऊपर। ये सवाल भी आपका a प्लस बी का होल क्यूब बनाएगा और ऐसे सॉल्व हो करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की पावर में 3 आ जाएगा और वो आ जाएगा 1 की पावर में 3। तो अभी हमने कहा था कि जब भी ये पैटर्न कभी दिया गया हो
तो आप अपने सवालों का आंसर हमेशा इन पैटर्न के लिए आप वन करेंगे, है ना। इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसकी ट्रिक हमने बता दिया था आपको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवाल नंबर जो है 22 पर। सवाल नंबर बेटा 22 में दिया गया है ये वाली बात, कहा गया है यहां से कि x का मान दिया गया है, y दिया गया है, z दिया गया है, तो कौन सा मान सही होना चाहिए। हमने क्या किया, x लिखा है यहाँ पर, हमारे पास x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, सब में वही लिखा हुआ है, तो हमने इन सभी को स्क्वायर किया। देखो स्क्वायर था, हमने सबको इनमें स्क्वायर कर दिया, तो हमने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और प्लस या माइनस जेड स्क्वायर आखिर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया हमारे पास आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई आपका आ जाएगा यहाँ से जा करके, तो आपका वाई आ जाएगा। अच्छा ये ए दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ ए मान लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग यहाँ से ये ए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है चलो तो हमने इसको ए मान लिया। आगे लिखा है आर साइन और साइन ए, तो ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, हमने इन दो को जोड़ दिया। और आगे लिखा है जेड का स्क्वायर, जेड में हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर, इसका ये मान था और ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा सॉल्व होकर के किसके बराबर आने जा रहा है, क्या होगा सवाल का मतलब। देखिए जब हमने इतनी बात को देखा यहाँ से इतनी बात को, तो यहाँ पर देखिए ये आर साइन स्क्वायर, आर साइन स्क्वायर देखो यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और यहाँ से ये बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ये बात सबको आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और ये लिखा हुआ है आर का स्क्वायर और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ बचा होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आगे बचा होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बेटा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आर स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये होगा, ये कितना हो गया, ये बेटा हो गया वन, तो आर स्क्वायर इंटू वन, तो इसका जो मान आया वो कितना आ गया, वो आ गया है आर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब था, ठीक है ना, यही था इसका बेटा सही जवाब, काम चल गया होगा, है ना, ये इसका यहां से काम जो है वो चल गया होगा। और इसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई इसको हटाते हैं और चलते हैं सवाल नंबर जो है 22 की तरफ। सवाल नंबर जो है 22 की तरफ देखो सेम सवाल है, इसको हम करेंगे नहीं, इस सवाल को बेटा अब हम यहां से करेंगे नहीं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ये देखो हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स का मान दिया गया था, ये देख लीजिए एक्स का मान दिया गया था ये वाला, अभी आपने किया वाई दिया गया ये वाला और जेड का मान दिया गया है ये वाला। अभी देखो अभी हम लोगों ने किया है कि जो एक्स स्क्वायर और ये हमारे पास ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर है, इसका मान कितना होता है, देखो यही हमारा था अभी आर, है ना, यही था हमारे पास आर और देखो यही हमारा दिया गया है आर, और अभी अभी आपने किया था कि जो इसका मान आया था वो आया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर कितना आया था आर का स्क्वायर, तो इसको आप उसी तरीके से आप इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को आप तीनों को ऐड करेंगे और देखना कि आप ये पाएंगे आर स्क्वायर, मतलब जो इसका मान है वो मे बी आर स्क्वायर होगा और आर हमारा है तीन, तो तीन का स्क्वायर इसको आप चेक करेंगे ये वाला इसका आंसर जो है 9 हुआ या नहीं हुआ। अभी जो हमने सवाल किया है इससे पहले वाला वो सेम पैटर्न था, बस यहाँ जहाँ तीन है वहां पे आर लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो आप इसको चेक करेंगे कि वो इस पैटर्न को फॉलो कर गया या नहीं, कर गया है तो फिर आगे से जो तीन है वही इसका उत्तर होगा आर स्क्वायर, इसको आप चेक करके सॉल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क है और देखना कि इसका उत्तर 9 आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए भाई तो इसको यहां से हटाते हैं और हटाने के बाद चलते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर ये हमारा बेटा आ गया है सवाल नंबर 24, बेटा सवाल नंबर हमारे पास आ गया है 24 और 24 में जाने के बाद कहा गया कि साइन थीटा का मान दिया गया है b बाई ए, तो कहा गया कि a माइनस बी और कहा गया कि ये जो सवाल दिया गया है इसका मान यहाँ से कितना होना चाहिए।
इस पर हम आपको टाइम दे रहे हैं 20 सेकंड का, जल्दी से आप इस सवाल को पहले जल्दी से करें और बताएं कि इसका आंसर कैसे आएगा। साइन थीटा लंबाई कर्ण होता है, जल्दी से सोचें आप 20 मिनट में। भाई हुआ किसी का? तो इस पर आपको हमने टाइम दिया था 20 सेकंड का सोचने के लिए, और ये आपको हमने बता दिया था कि जो साइन थीटा है बेटा वो लंब वाई कर्ण होता है। तो आप कुछ मत करें, सबसे पहले आप जाएं एक छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल बना लें, और ये आपका हो गया है थीटा। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका हो गया है लंब और ये आपका हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस से जब आप जाएंगे तो ये वाला पाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर उसका अंडर रूट, मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये होता है ए पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो जब ये निकालना था तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आएगा, बाद में इसका वर्गमूल भी ये आएगा पाइथागोरस के प्रमेय से। अब हमसे ये वाली बात बोली गई, तो जब हम यहां से आगे चले तो हमने कहा एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको इसको हम यहां पर लेते हैं एलसीएम। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी आ गया और बेटा ये आ गया आगे चल करके ए माइनस बी। देखो ये और ये कट गया अंडर रूट ए माइनस बी का, जब इससे गुणा हुआ तो ये ए माइनस बी हो गया प्लस, जब ये और ये कट गया तो इसका गुणा उससे हुआ तो बेटा ये आ गया है ए प्लस बी। अब इसका फायदा में क्या मिला कि ये बी और ये बी कट गया, टू ए आ गया, इसका मतलब हो गया है कि ये आ गया है टू ए अपॉन, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। आइडेंटिटी होता है एलजेब्रा में a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो कहा गया कि भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसमें कौन सी बात सही है? तो जब हमने इसको देखा तो हमने कहा एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा है a। a हमारा क्या है बेटा? a हमारा है कर्ण, है ना? ये a हमारा है हाइपोटेनस, ये हमारा है हाइपोटेनस, और ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारा लिखा हुआ है बेस, ये बेटा लिखा हुआ है हमारा बेस। हाइपोटेनस बाई बेस होता है sec थीटा, cos का उल्टा sec थीटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये बेटा लिखा हुआ है sec थीटा। तो हमारा सही आंसर है ये सी वाला, और ये हो गया है 2 sec थीटा। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया है 2 sec थीटा। इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद चलते हैं सवाल नंबर आगे। बेटा सवाल नंबर हमारा आ गया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर दे आ गया है 3। तो कहा गया कि इसका मान जो है वो कितना होना चाहिए। इस पर टाइम है आपका 20 सेकंड का, सवाल को पहले सोचें आराम से और देखें कि क्या ये पुट करने से, थीटा पुट करने से इसका कोई मान क्या आ सकता है। 30 या 45 या 90 कुछ रखने से इसका मान आया या नहीं आया, तो इसको हम लोग सोचें पहले इसको करके कि इसमें हम क्या पुट करें। चेक कर लें 30 और 60 पर कि कितना इसका पुट करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसमें हम ये चेक करते हैं ऐसा कोई भी सवाल आ जाए कि क्या एंगल का मान पुट करने से इसका मान आया या नहीं आया। अगर हम यहाँ रखते हैं 90 डिग्री साइन 90 वन होता है, ये भी वन होता है। अगर यहाँ 2 दिया होता तो आ गया होता। अगर 30 करते हैं साइन 30 वन बाई 2 होता है, उसका उल्टा ये 2 हो जाएगा। अगर 2.5 दिया होता तो आ गया होता, मतलब कि पुटिंग इसकी फेल हो जाएगी। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग जाएंगे कि भाई हमसे क्या बात यहाँ से पूछी गई है। हमको ये दिया गया, तो जब हम ये अपॉन ये करेंगे तो 4 में से 2 कटेगा, तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन ये करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये आ गया, ठीक है।
हमारे पास आ गया ये वाली बात। अच्छा ये हमें क्या दिया गया था, ये हमें दिया गया था साइन थीटा और प्लस 1/sin θ बराबर दिया गया था 3। और हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इसके स्क्वायर का मान। तो अगर एलजेब्रा में कभी भी इसका कोई स्क्वायर निकालता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² θ कोई निकालता है, जब भी स्क्वायर निकालना हो तो जो भी ये मान लिखा होता है इसका जल्दी से स्क्वायर करते हैं। अगर प्लस का सवाल है तो 2ab वाला 2 माइनस कर देंगे, अगर माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस कर देते। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 7। इसका सही उत्तर है 7। ध्यान देना कि या तो आप हमारी ये बात मान लें, और नहीं तो अगर आपको स्क्वायर लाना है तो आप इस वाली बात को आप दोनों तरफ खाली स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इतना, बाद में 2 इधर भाग जाएगा, इसका आंसर फिर अपने आप ही आ जाएगा। तो या तो आप इसको स्क्वायर कर दें, और नहीं तो स्क्वायर को निकालने के लिए जो भी ये मान लिखा हो इसको स्क्वायर करके प्लस माइनस 2 कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस 2, माइनस है तो प्लस 2, है ना। दोनों बातें सही हैं, समझ में ना आया हो तो सिंपली दोनों तरफ इसको आप स्क्वायर कर, ठीक भाई। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा जो है 26वां क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला, ये सवाल हमारे पास सवाल आ गया, ये वाला। कहा गया कि tan थीटा है हमारे पास a बाई बी, हमारे पास tan थीटा है a बाई बी, तो कहा गया कि फिर इसका जो मान है वो कितना होगा। देखिए ये एक अच्छा सवाल है कि अगर ये दिया गया है tan थीटा a बाई बी तो इसका मान जो है वो कितना होगा। तो इसका जो मान है हमारे पास ना, एक काम करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें देखो tan दिया है तो हमने यहाँ से cos कॉमन कर लिया। हमने बेटा यहाँ से cos थीटा जब कॉमन किया तो ये हो जाएगा a, और जब cos कॉमन होगा तो sin बाई cos आएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा और प्लस cos कॉमन हुआ तो ये यहाँ से b आ गया, अपॉन यहाँ से cos कॉमन हुआ तो यहाँ से बेटा ये cos कॉमन हुआ तो ये आ गया a sin थीटा बाई cos थीटा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा और माइनस में हो जाएगा b, बाद में ये और ये कट जाएगा, है ना। कॉमन का मतलब होता है डिवीजन करना, कॉमन का मतलब होता है कि हमने कॉस से डिवाइड किया, तो साइन बाई कॉस ये टेन आ गया, कॉस बाई कॉस वो यहाँ से कट गया, साइन बाई कॉस यहाँ टेन आ गया, कॉस बाई कॉस यहाँ से कट गया, है ना, और कोई बात नहीं। अब हमें टेन थीटा दिया है ए बाई बी, हमारा सवाल ये कन्वर्ट हो गया है, तो चुपचाप जहाँ जहाँ टेन है वहाँ वहाँ जाएंगे और लिख देंगे ए इंटू ए अपॉन में बी लिख देंगे, प्लस यहाँ बी कर देंगे, और नीचे जाएंगे यहाँ लिख देंगे हम ए, और लिख देंगे हम a अपॉन में b, माइनस में लिख देंगे b। बस सवाल को सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, ये b वहाँ जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे हमारा यहाँ से ये b LCM वाला, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर, ये b और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये b स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा b, ये b और b कट गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, ये इसका आंसर आ गया, हमारा उत्तर हो गया है ये वाला, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि ऊपर लिखा है ये प्लस वाला, नीचे लिखा है माइनस वाला, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में सभी को आने चाहिए, और ये इस तरीके से ही होते हैं, पुटिंग से या हल्का फुल्का ऐसे कॉमन उमन ले लिया जाता है, तो ये सवाल आपके ऐसे होना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर हम 26 की तरफ। सवाल नंबर हमारा जो 26 है वो सवाल ये आ गया, सुंदर सवाल है, बढ़िया सा। 27 में देखिए, सवाल नंबर जो 27 हमारे पास आया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि sec थीटा का मान है a प्लस 1 बाई इतना। तो ये देख लीजिए कि ये जो sec थीटा यहाँ से आने जा रहा है बराबर, जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² + 1, तो बेटा ये आ जाएगा 4a² + 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4a। अब हमने क्या किया कि 4a² को हमने लिख दिया 2a² और प्लस 1 लिख दिया, नीचे हमने लिख दिया 2 × 2a, ठीक है ना। मतलब जो sec थीटा का मान आया है वो आ गया है हमारे पास x² + 1 और 2 × x, ये हमारा x है, x² + 1 2 × x, है ना। तो जब भी कुछ ऐसा आ जाए और आपसे कोई tan थीटा और sec थीटा का मान पूछे, तो ये जान लेना कि tan थीटा और sec थीटा जो होगा वो हमेशा x के बराबर होगा,
और हमारा x है 2a। जब भी कभी आपको कोई tan थीटा sec थीटा कोई x बोल दे और कोई आपसे sec थीटा पूछे, आप सीधे बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इनटू x। आज इसका उल्टा आ गया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको x लिखना है 2a। इसका सही जवाब है 2a। ठीक है, इसका बेटा सही जवाब आपके पास आ गया है 2a। ये इसका एक थॉट है sec थीटा और tan थीटा को लेकर के, ठीक है ना। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो थोड़ा हल्का देख लें आज के बाद से। अगर कोई आपसे कहता है, ये बात हमने वैसे आपको पढ़ाया होगा कि ये अगर x लिखा है और हमारे पुराने लेक्चर में जाइएगा तो sec थीटा हो जाएगा जो भी ये लिखा होता है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इनटू कितना हो जाता है, ये बेटा आपका x हो जाता है। ये बात हमने आपको पुराने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, हमारे सारे वीडियो जहां हमने आपको बेसिक बताया हुआ है, आप थोड़ा सा इन बातों को आप देख लिया करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये होता है, बस इसी का सहारा यहां लिया गया। ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो ये, ठीक है। चलते हैं आगे, आते हैं सवाल नंबर जो है इस पर। देखिए भाई, हम आ गए सवाल नंबर इस पर। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि ये साइन कॉस सेक कॉस सेक और इसका न्यूनतम मान कितना होगा, इसका क्या होगा मिनिमा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा देखिए, मिनिमम के लिए जब हमें निकालना है तो एक काम करेंगे, पहले तो आप ये जान लें एक बात कि अगर कभी a tan स्क्वायर थीटा, और ये बात भी हमने आपको बताया है, b tan स्क्वायर थीटा का कोई मिनिमम पूछे, b tan cot, इसको हटा दो, यहां पर हमको लिखना है cot, है ना, यहां लिखना है cot स्क्वायर थीटा। अगर कोई इसका आपसे मिनिमम मान पूछे तो बेटा इसका मिनिमम मान होता है 2 अंडर रूट में ए बी। ये इसका होता है सबसे छोटा वाला मान होता है 2 अंडर रूट में ए बी, ठीक है ना। तो और ये जो होता है ये हमेशा काम करता है अपने इस उल्टा वाले पेयर के ऊपर, साइन कॉस पर टैन कॉट पर कॉस और सेक के जो हमारे उल्टा पेयर होते हैं। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास तो एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है। देखिए पहली बात तो हमारे पास देखिए साइन भी है और कॉसेक भी है, हम चाहें तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होता है, ये वन हो गया, ठीक है। तो आपका पेयर यहाँ से टूट जाएगा। अब ये जो सेक होता है वन प्लस ये बेटा होता है टैन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉसेक होता है ये होता है वन प्लस ये बेटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला वन, ये वाला वन, ये वाला वन, टोटल कितना हो गया, ये बेटा आपका हो गया है थ्री, और प्लस टैन कॉट दो दो बार है, तो ये आपका हो गया बेटा दो दो बार, और ये हो गया है टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में ये हो गया तीन, और प्लस जब इतना हो गया तो ये देखो ये आपका हो गया टू। और अभी आपने कहा था वो फार्मूला देखो, यहाँ पर क्या है कि ये लिखा हुआ है वन, तो ये हमारा ए है, ये लिखा है वन, ये बी है, तो ए टेन बी कॉट वो फार्मूला यहाँ पे जाएंगे और लगा देंगे टू अंडर रूट में ए इंटू बी, तो ये आपका हो गया टू, ये हो गया टू, दो दूनी चार और चार तीन सात, मतलब कि तीन प्लस चार, इसका सबसे छोटा मान कितना आ गया, इसका मिनिमाइज वैल्यू आ गई है कितनी, ये बेटा आ गई है सेवन, इसकी मिनिमम वैल्यू है ना, इसकी बेटा मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, सेवन। अगर कोई पूछे कि इसका क्या होगा मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान बेटा यहाँ पे टैन है कॉट है सेक कॉसेक है, तो जो टैन वैन होते हैं इनके सबसे बड़े मान होते हैं ये वाले, तो ये है ना, इसका भी बड़ा मान यही होता है ना, इसका भी बड़ा मान यही होता है। तो जब ये सारे सवाल में अनंत आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, नॉन डिफाइंड आ रहा है, तो इसका जो मैक्सिमाइज वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड हो सकती है, और मिनिमाइज वैल्यू इसकी जो है वो सेवन हो सकती है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये एक अच्छा सवाल था, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं सवालों की दुनिया में आगे। अब आते हैं सवाल नंबर जो है तीन में। हमसे पूछा गया है कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होगा, मिनिमम मिनिमा कितना होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले एक बात इसमें जान लें कि अगर कभी आपसे कोई कहता है कि ए साइन थीटा है और ये लिखा हुआ है बी कॉस थीटा,
इसका सबसे छोटा मान क्या होगा, ये बड़ा मान क्या होगा, तो ये आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और माइनस, प्लस पे जाओगे तो मैक्सिमा है, माइनस पे जाओगे तो ये मिनिमा है, मिनिमा। तो हमसे कहा गया था मिनिमा भी पूछा गया और आपसे यहाँ पर ये इसका बेटा मैक्सिमा भी पूछा गया। तो हमारा सवाल था इतना, तो वन साइन था तो ये आ गया वन साइन थीटा और बेटा ये आ गया है वन, ये हो गया है कॉस थीटा। इसका जो मिनिमाइज मान होगा वो हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों, मिनिमा एंड मैक्सिमा बोथ, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और ये हो जाएगा वन का स्क्वायर। आंसर आ गया है प्लस और माइनस अंडर रूट में कितना टू, प्लस वाला मैक्सिमा है माइनस वाला मिनिमा है, तो प्लस वाला मिनिमा और ये वाला मतलब ये पूछा गया है ये सही है, ये इसका मिनिमा है और ये इसका मैक्सिमा है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, पैटर्न को पहचानते रहिए। चलते हैं सवाल नंबर जो है, आते हैं 30 पर। सवाल नंबर जब 30 पर गए तो ये बात, बहुत ही प्यारा सवाल भाई, बहुत ही सुंदर सवाल। इसमें कहा गया है कि टैन की पावर 5 और कॉट की पावर 5 बराबर 2525। तो कहा गया कि फिर ये कितना होगा। देखिए इस सवाल का मतलब ये है, मतलब कि हमने कहा कि टैन, सवाल देखना भाई, टैन की पावर 5 थीटा और ये लिखा है कॉट, कॉट होता है इसका उल्टा, तो ये भी हो जाएगा टैन की पावर में 5 थीटा और ये बराबर लिखा हुआ है 2525। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, ये लिखा है 2525, ध्यान देना। इस सवाल का इकाई का नंबर 5 है, इकाई का नंबर 5 है। 5 नंबर में ऐसा गुण होता है कि चाहे हम 5 का स्क्वायर करें तो भी 25 आता है, 5 का क्यूब करें तो 125 आता है, 5 की पावर 4 करें तो 625 आता है। इसका मतलब है कि जिन सवालों के आंसर में अगर 5 5 5 आया है, इसका मतलब है कि इनका जो जनरेटर रहा होगा वो 5 जैसा कोई नंबर रहा होगा। अगर यहाँ लास्ट में हमारे पास, देखिए भाई, अगर लास्ट में हमारे पास अगर यहाँ पर ये 5 आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो इसका बेसिक सवाल रहा होगा उसका लास्ट नंबर चाहे 15 रहा हो चाहे 25 रहा हो, लेकिन उसके लास्ट में 5 पक्का आएगा। तो हमने कहा कि ये जो सवाल था, इसका जो बेसिक सवाल होगा बिल्कुल पावर 1 वाला, टेन थीटा और 1/10 थीटा, ये जो था इसका जो नंबर है वो 5 हो सकता है, इसका नंबर 5 हो सकता है, क्योंकि ये 5 नंबर घूमा है पावर 5 तक, तो ये 5 बनाने का चांस है कि इसने 2525 बनाया हो। क्योंकि अगर आप इसको 15 मानते हैं, देखिए हम 5 लाने के लिए 15 मान सकते हैं, हम 125 मान सकते हैं, हम 25 मान सकते हैं, लेकिन 25 को आपको ले जाना है 5 की पावर तक, तो ये और ये संख्या है मात्र 4 अंकों की, तो कोई छोटा ही नंबर होगा 5 के रूप में जो इसको 2525 बनाया होगा। तो हमने कहा भाई इसका आंसर जो है वो 5 आ सकता है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी 3 है 4 है 5 है, तो 5 आ सकता है। तो टेन थीटा हो गया है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये तो हमारा कॉट था तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर 5 लिखा है। अब देखिए ये क्या हमारे पास होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर में 5 हो गया। 1/cos होता है sec, 1/sin होता है cosec, और यही तो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है sec और cosec का मान क्या होगा, 1/cos 1/sin, ये sec है ये cosec है, इसका मान कितना आया, तो बेटा इसका मान हो जाएगा 5। और इस बात का ध्यान देना कि अगर यहाँ लास्ट में 5 आया है तो कोई 5 जैसा नंबर ही ये 2525 ला सकता है एलजेब्रा के अंदर पावर के जनरेट करने पर, क्योंकि 5 वाले नंबर ही लास्ट में 25 लाते हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में कुछ नंबर होते हैं जैसे कि 0 हो गया, 6 हो गया, या फिर जो है हमारे पास जो है 5 हो गया, है ना। 6 का आप 6 पावर 2 करें, 3 करें, 4 करें, इकाई के अंक में हमेशा 6 आएगा। 5 के नंबर में आप पावर 2 करें, 3 करें, 6 करें, 50 कर दें, उसके इकाई के अंक में 5 पक्का आएगा, 6 पक्का आएगा 6 वाले में। तो ये एक लॉजिकल सवाल था जो कि हमने बताया आपको। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। ये हमसे पूछा गया है कि भाई एक सवाल आया और कहा गया कि कॉस थीटा और सेक थीटा हमें दिया गया था कितना, 4। तो देखो हमने क्या किया कि हमने
हमने कॉस को हमने कुछ समय के लिए हमने कॉस को हमने एक्स मान लिया, सेक कॉस का उल्टा होता है तो ये इसका उल्टा हो गया और ये बराबर चार दिया है। हमसे पूछा गया है x की पावर 4 और 1 अपॉन x की पावर 4, एलजेब्रा का सवाल बन गया। अभी हमने एक बात की थी कि अगर हमें कोई कहता है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 लिखा है, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करने के लिए जो भी ये नंबर दिया हो 4 का स्क्वायर करके प्लस है तो माइनस का 2 कर देंगे तो 16 माइनस 2 ये आ गया 14। अगर हमको इसके आगे इसका फिर से स्क्वायर करना है तो ये पावर में 4 बन जाएगा, ये पावर में 4 बन गया और इसका स्क्वायर किया तो अब इस वाले नंबर का हम स्क्वायर करके माइनस का 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 196 माइनस 2 यानी कि 194 इसका उत्तर आना चाहिए 194। तो हमको दिया गया था x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4, पूछा गया था x और 1 बाई एक्स की पावर 4 यानी cos और sec, तो ये हमारा लिखा हुआ है cos, ये हमारा लिखा हुआ है sec यानी कि इसका उल्टा, ये हो गया। एलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो वो इस तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। इसका ध्यान देना और बढ़ते हैं इस सवाल के आगे से और यहाँ पे चलते हैं सवाल नंबर आते हैं 31 पर। सवाल नंबर आते हैं 31 के ऊपर, सवाल नंबर चलते हैं 31 की तरफ और बढ़ते हैं यहां से आगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा, ये कॉस, बेटा ये कॉस नहीं है, है ना, ये आपका कॉस नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कॉस सेक, है ना, ये लिखा हुआ है कॉस सेक थीटा, है ना, साइन और कॉस सेक मतलब ये लिखा हुआ है एक्स, ये उल्टा होता है साइन का 1 बाई एक्स बराबर टी लिखा हुआ है। हमसे पावर यहाँ 5 पूछा गया है। देखो अगर कभी आपको कोई कहता है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, कोई आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये टी लिखा हुआ है, अगर ये टी लिखा है और हमको पावर 5 निकालना है तो सबसे पहले आप एक काम करें, सबसे पहले आप निकालना सीखें कि जो x स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। अभी हमने किया था कि अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम इस नंबर का हम क्या करते हैं स्क्वायर करके माइनस 2 करते हैं। अगर हमें पावर 3 कभी निकालना हो तो एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना हो तो हम इसी तरीके से t वाले नंबर का क्यूब करके, यहाँ पे 2ab आता है तो 2 आएगा, क्यूब में 3ab आता है तो उसका माइनस 3 आएगा, लेकिन क्यूब वाले में एक बार ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑन हो जाएगा। तो जब भी आपको कभी ऐसे सवाल का या ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर निकालना हो या क्यूब निकालना हो तो आप स्क्वायर या क्यूब करके यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 3 लगा दें, लेकिन क्यूबिक वाले में 3 के साथ में ये वाला जो t है वो एक बार और यूज होता है, वो ठीक है। वैसा उसका अपना एक फार्मूला है, जब आप इसको ओपन करेंगे क्यूब करेंगे तो ये t वहां पे आता है। अच्छा, आपको निकालना है इस सवाल का, ये आपका t है, ये आपका 1 अपॉन t है, तो आपको निकालना है पावर में 5। जब भी कभी आपको पावर का 5 निकालना हो, हमने कहा कि भाई x प्लस अगर आपको निकालना हो इसका 5 निकालना हो तो x की पावर 5 और ये निकालना है x की पावर आपको निकालना है 5। जब कभी 5 निकालना हो, अगर ये पावर की 5 है तो ये मिलकर के बनी होगी पावर 2 से और पावर 3 से, तो हम यहाँ पर पावर 2 वाले का आंसर और पावर 3 वाले का आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार क्वेश्चन की वैल्यू माइनस कर देंगे। इस बात को आपको याद रखना है पावर 5 के लिए, क्योंकि पावर 5 सीधा नहीं आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, पावर 4 आ सकता है, लेकिन पावर 5 हो गया, पावर 7 हो गया, पावर 11 हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन से आता है, 5 आएगा पावर 3 और पावर 2 के कॉम्बो पैक से। तो हमने 3 और 2 का सहारा लिया, 5 लाना है तो वो 2 और 3 का कॉम्बो होगा और एक बार क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है ये यहाँ से माइनस करनी पड़ती है बेसिक में, है ना, इसको आप याद रखें। बराबर पावर 2 कितना था हमारा, ये बेटा था टी स्क्वायर माइनस 2। पावर 3 कितना था, ये था हमारा टी पावर 3 माइनस 3 टी और आगे लिखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब थी 50।
अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी इसका आंसर आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। देखिए जब टी स्क्वायर ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 ये आपका हो जाएगा T^5, इसने उसे मल्टीप्लाई किया माइनस ये 3 बन जाएगा, और इसके बाद इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2T³ आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा T और माइनस लिखा हुआ है T। अब इसके बाद हम सिमिलर टर्मों को भाई ऐड कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है T^5, 3 और ये पावर सेम है, ये पावर सेम है, 3 × 2 = 5, ये आ जाएगा 5T³, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 60 और माइनस T एक घट गया, तो ये हमारे पास आ गया है 5T। तो जब 5T आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना T5, 5T³ और 5T कहीं दिया गया है, हमारा सही जवाब है ये वाला, है ना, हमारा सही जवाब है यहाँ से ये वाला। और आगे से आप इसको याद रखेंगे कि जो पावर 5 होता है वो हमेशा इस वाले वैल्यू का पावर 5 और माइनस में 5T³ और 5T होता है, इस बात को अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बोल दे यहाँ 4 है तो 4^5 माइनस 5 × 4^3 प्लस 5×4 का आप यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसको हटाते हैं, ये सब अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं इसके, और चलते हैं सवाल नंबर जो है 33 की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर चलते हैं 33 पर। देखिए भाई सवाल नंबर हमारा आ गया है 33, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, लिखा इसमें कहा गया है कि ये वाला और ये वाला और ये बराबर कितना दिया गया है, इसका मतलब हो गया हमारे पास कि अगर हम इस वाली बात को यहां से देखना शुरू करें, इस वाली बात को, तो हमने कहा भाई हमारे पास तो दिया गया था tan²θ प्लस ये cot है, तो ये tan का उल्टा होता है, तो tan²θ और प्लस 1 = 0 हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan⁴θ प्लस ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा tan²θ प्लस ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास आ गया है बराबर का, बराबर में कितना आ गया बेटा 0 आ गया, मतलब हमारे पास आ गया है यहाँ पे जा करके देखो ये आ गया है हमारे पास tan²² ये आ गया है 1² और ये आ गया है tan²। ये एक काम करते हैं कि इसमें हम दोनों तरफ tan²θ - 1 का गुणा कर लेते हैं, बता रहे हैं कि ये गुणा हमने यहाँ क्यों किया, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई ये, और ये हो गया tan²θ + 1, हमने गुणा यहाँ भी कर लिया और ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया tan²θ - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा a - b, ये हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया 1 × a, तो ये बेटा फार्मूला होता है a³ - b³ का, है ना, a³, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan²θ³ - 1³, वो 0 हो गया, यानी ये 3 × 6, इसने कहा कि फिर तो tan⁶θ का मान कितना हो गया 1। इसने कहा कि हमारे सवाल में इसमें छुपा हुआ था कि tan⁶θ का मान कितना हो गया 1, और ये हमारे a³ - b³ का आधा फार्मूला था, हमने a - b को गुणा कर लिया, a - b a² + 1² + 1 × a, तो ये बन गया आपका a³ - b³ और ये हिस्सा तो आपका 0 हो गया था। तो इसने कहा कि फिर ये हमारे पास ये हो गया है a³ - b³, 3 और 6, tan⁶ बराबर इतना आ गया, यानी कि अब जहां जहां tan⁶ के मल्टीपल्स आएंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये देख लो अब हमारे पास क्या होगा इस सवाल में, यहां लिखा है हमारे पास 66, मतलब ये तुम्हारा जो है ये tan⁶, मतलब ये तुम्हारा 1 का 11 टाइम है, प्लस ये लिखा है 36, ये पावर 6 का 6 गुना है, तो ये 1 का 6 गुना है, ये लिखा 18, तो ये बेटा 6 का 3 गुना है, प्लस यहाँ लिखा है 12, 6 × 2 = 12, ये 6 का 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 1⁴, और आगे लिखा हुआ है प्लस 1, ये लिखा हुआ था प्लस 1, तो ये हो गया 1, 1, 1, 1 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, इसका उत्तर आ जाएगा कितना बेटा, ये आना चाहिए इसका आंसर 5। तो इसका उत्तर आ गया आपके पास कितना, ये बेटा आपका उत्तर हो गया यहाँ से कितना
ठीक है भाई, सबको आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर जो है 34 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ लिखा है टेन स्क्वायर, यहाँ लिखा है इतना, इस 225 को इधर ले आओ। जब 225 को यहाँ ले आओगे तो इसमें काम होगा, इसमें काम ये होगा कि ये आपका बन जाएगा, देखो ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन जाएगा, ये 25 आएगा, 25 जो होता है, 225 जो होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो 30 हो जाएगा 2 × 15 × 10, मतलब ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये जब इधर आएगा तो 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा −2 15, और ये तो ये बन जाएगा टेन थीटा −15 का होल स्क्वायर। ये छुपा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसने कहा कि फिर तो जो हमारा टेन थीटा आया वो कितना हो गया, हमारे टेन थीटा का मान आ गया 15। टेन थीटा का मान है 15 और हमको मान पूछा गया है इसका। तो अब इस पर हमने क्या किया, यहां लिखा हुआ है टेन फाइव, ध्यान देना ये लिखा है टेन फाइव, हमने 16 वाले को बदल लिया, हमने यहां लिख दिया आगे चल करके 15 × 10⁴ हमने अलग कर दिया और −10⁴ हमने अलग कर दिया। फिर हमको मिला ये, हमने 16 को अलग अलग कर दिया, 15 × 10³ अलग कर दिया, 10³ हमने अलग कर दिया, ये 16 हो गया। इसका मान ये लिखा है, इसका मान ये लिखा है। फिर हमको मिल गया ये वाला माइनस वाला 16, तो हमने −10² थीटा को अलग किया, −10² थीटा को हमने बेटा यहाँ पर जा करके अलग कर लिया। फिर हमको आगे मिल गया यहाँ पर ये प्लस, ये मिल गया तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस, और ये लिख दिया हमने 15 tan θ, और ये हमने लिख दिया tan थीटा, और ये यहाँ लिखा हुआ था 16। इसका फायदा ये मिला कि जो हमारा tan था, tan का मान कितना था, 15 लिखा हुआ था, तो हमारे देखो tan का मान था 15। 15 का मतलब हो गया है कि ये हमारा जो है 15⁵ है, ध्यान देना tan का मान है 15, 15⁵, ये 15 है, 15⁴, ये 4 और एक बार ये, मतलब कि ये 4 × 5 ये वाला कट जाएगा, 15⁴ है, 15³ वहां से आएगा 15, तो 4 ये है, 4 ये है, 15³ है, 15² है, तो 15 × 3 है, 15 × 3 है, 15² है, 15 और 15 ये भी 2 है, वो माइनस प्लस, ये खाली बच गया। इसका मतलब हो गया कि टेन का मान है 15 और ये है 16, 16 और 5 कितना आ गया 31, 16 और 15 का मान कितना आ गया, ये बेटा आपका हो गया है 31। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और आगे जब बढ़ते हैं इसको आप देख लीजिएगा, बढ़िया सवाल है आज के, इसको हटाते हैं आगे से और बढ़ते हैं आगे, आते हैं सवाल नंबर जो है इस पर, सवाल नंबर आते हैं अपने हम इस पर। देखिए ऐसे वाले सवालों के लिए हमने आपसे कई बार कहा होगा कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमेशा देखते हैं कि साइन 60 − θ, और यहां लिखा है साइन थीटा, और अगर कभी लिखा मिल जाए साइन 60 + θ, अगर कभी 60 से कम हो, 60 से ज्यादा हो, थीटा हो, तो हम लिख देते हैं 1/4 sin θ डायरेक्ट, ये बात हमने किया है कई बार। तो हमारे पास ये देखो, ये साइन थीटा है, ये 40 है, मतलब कि 60 − 20 है, ये 80 है, मतलब ये 60 + 20 है, तो ये लिखा है साइन थीटा 60 − θ, 60 + 20, तो इस पूरे सवाल का उत्तर हो जाएगा, सीधे लिख दो 1/4, और ये हो जाएगा साइन 3θ, ये आपका हो जाएगा साइन 3θ, और थीटा हमारा होता है ये छोटा वाला, तो ये हो गया है 1/4 × साइन 60, साइन 60 हो जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा √3, और ये हो जाएगा 4² √3/8, कहीं दिया गया है, इसका सही जवाब है हमारे पास ये वाला √3/ कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास √3/8। तो ऐसा कोई भी सवाल आए, आप इन सवालों को इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, और इसका ध्यान देना कि अभी आगे इस पर बहुत सवाल होंगे कि जो कुछ देखो ये फार्मूला कॉस के लिए, साइन के लिए, सब पे लागू होगा। तो अब इसके बाद जो है आपको हम ले चलते हैं इसमें आगे। अब ऐसा कोई भी सवाल आएगा इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिए साइन थीटा 60 − θ, 60 + θ, अभी भी आप लोगों ने पढ़ा है कि यार इसका जो जवाब होता है ये वाला, ये तुम्हारा सीधे हो जाता है 1/4 और साइन में 3θ, है ना, सीधे उत्तर आ गया, काम चल गया। बढ़ते हैं आगे,
चलिए भाई आगे चलते हैं, आते हैं सवाल नंबर 37 पे। ये देख लीजिए फिर वही सवाल आ गया, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 4 cos थीटा और इतना ये लिखा हुआ है। देखिए हमारा ये 4 उस पार होता था, है ना, हमारा 4 होता था यहाँ पर 1/4 हम लोग लिखते थे cos थीटा। आज हमारे सवाल में यही वाला 4 देखो यहाँ पहुंच गया है, तो जब ये 4 यहाँ से आप हटा लोगे तो क्या बचेगा, cos थीटा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, काम चल जाएगा, सिर्फ आपको पहचान करना है कि सवाल का हमारा लेवल क्या है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवाल नंबर 38 में। ये देख लीजिए tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 ये प्लस थीटा, इस वाले सवाल में 1/4 नहीं आता है, इसमें केवल आता है tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये tan आता है sin by cos में, तो sin वाला 1/4, cos वाला 1/4 कट गया होगा, आया होगा sin by cos, वही बना देता है केवल tan, तो इस वाले में 1/4 नहीं लिखना होता है। ठीक भाई, काम चल जाएगा, इसका ध्यान देना, ये tan था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवाल नंबर जो है 39 पर, सेम सवाल आ गया। ये देख लीजिए, इसको आप अपने आप करेंगे, ये लिखा हुआ है थीटा, ये लिखा हुआ है 60 माइनस थीटा और ये लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा, इन तीनों को उठा करके हम लिखेंगे 1/4 cos 3 थीटा 20, और ये वाला छूट गया था तो इसको अलग कर लें, cos में 60 आएगा, ये आ गया 1/4 इंटू cos 60 होता है 1/2, अगला cos 1/2 आ गया, ये 2, 2, 4 और 4, 4, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया है 16, मतलब कि 1/16 सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/16, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ से निपटाते रहेंगे। और बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले पर, 40 पर। ये सवाल भाई सब लोग अपने आप करेंगे, अब इसको बताएंगे नहीं, tan थीटा, 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और बेटा ये लिखा है 60 प्लस थीटा, तो इस पर लग जाएगा फार्मूला और tan इसका मान होता है √3, इसको आप कर लेंगे। ठीक ना, तो इसको आप कर लेंगे, जो भी इसका उत्तर है आप इसको देखेंगे। चलिए भाई चलते हैं सवाल नंबर आगे, आते हैं सवाल नंबर इस पर 42 पर, एक सवाल 43 है, सेम सवाल इस तरीके के हैं हमारे पास, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए सवाल नंबर ये में ये लिखा है cos 15, ये लिखा है sin 7.5, cos 7.5, एक फार्मूला होता है 2 sin theta cos theta, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हम 2 से भाग कर लें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा cos में 15, 2 sin theta cos theta ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 into 7.5, 15 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1/4 आ गया, 1/4 कैसे आएगा, एक मिनट, 1/4 कैसे आएगा, ये लिखा है 1/2, अब ये लिखा है cos 15 sin 15, एक बार हमने इसको 2 से भाग दे दिया, 2 से हमने गुणा कर दिया, तो ये भी आपका बन जाएगा sin 2 थीटा का फार्मूला, और ये आ जाएगा sin 30, आगे लिखा है 1/4 और ये हो जाएगा sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका सही उत्तर आ गया है 1/8, है ना, ये आपका हो जाएगा 1/8। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दिए रहना, और इसके पीछे हमारा एक सवाल था ये वाला, देखिए समझिए, ये लिखा हुआ है थीटा, ये लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा, मतलब 60 प्लस 6, आगे कहीं होना चाहिए 60 माइनस 6, इसमें कहीं नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो कॉस 60 माइनस 6 यानी कि 54 का, 54 को गुणा करके 54 से यहां पर भाग दे दो, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा, 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा, इनको हटा करके सीधे लिख देंगे 1/4 और ये लिखेंगे sin 3 इंटू थीटा यानी 3 × 6 = 18, आगे लिखा हुआ है cos में 42 बचा था, यहाँ लिखा हुआ था cos में 78 और ये नीचे लिखा हुआ था cos में कितना, ये लिखा था cos में 54, एक बार फिर से हमको मिल गया cos 18, 60 माइनस 18, 60 प्लस 18, ये बेटा 72 नहीं 78 है ये, है ना, 78, तो एक बार ये हो गया 1/4 इंटू cos sin थीटा, sin है cos है, cos है cos, not sin, cos थीटा, cos ये 60 माइनस 18, 60 प्लस 18, ये आ जाएगा 1/4 cos में 3 इंटू थीटा, ये आ गया नीचे यहाँ दिखा था cos में 54, ऊपर भी आ गया 54, ये वाला 54, ये 54 कट गया, 4, 4, 16 आ गया, तो इसका उत्तर आ गया है 1/
कितना 1/16 है कहीं पर, 1/16। तो ऐसा कोई भी सवाल हो वो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा पर ही चलता है। ये हमने यहां बना लिया था 60 माइनस थीटा इसको, ठीक है भाई, काम हो जाएगा। बढ़ते हैं इसमें आगे, और एक सवाल आपके लिए होमवर्क है ये वाला। 43 हो गया, 44 हो गया, ये तो हो ही गया था, टेन का सवाल था ये तो हमारे पास हो ही गया था, 78 वाला। चले भाई ये भी, ये तो एकदम सेम सवाल है, वही वाला अभी तो किया हम लोगों ने। ये लिखा है थीटा, ये लिखा है 60 प्लस थीटा, आगे 60 माइनस थीटा होना चाहिए। तो 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 6, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन 54 से। सेम सवाल अभी पिछला वाला, अब इसको इसको आप यहां से हटा देंगे और बाद में करके इसका आप उत्तर निकालेंगे। यहां 1/4 नहीं आएगा, केवल आपको यूज करना है टेन 3 थीटा का फार्मूला, इसको यूज करेंगे। सेम सवाल है यही वाला, ठीक है भाई। तो ये रहे आज आपके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, और इनको आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट रहा हो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, और अच्छे लेक्चर्स के लिए आप मिशन का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे या तो एलजेब्रा, और या पढ़ा रहे होंगे आपको हम कैलकुलस, डिफ्रेंसिएशन, या फिर पढ़ाएंगे इंटेग्रल, है ना, कैलकुलस और एलजेब्रा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर के साथ, आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।